बच्चों आज हम आपको क्या करेंगे, दशहरे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ठीक है, पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहली चीज लिखी है विजयदशमी और दशहरा। कुछ लोग कहते हैं विजयदशमी अलग है और दशहरा अलग है, जबकि दोनों एक ही चीज, मतलब दोनों है ही एक ही चीज है। देखो विजयदशमी, विजय प्राप्त की दसवें दिन माँ दुर्गा माता थी, उन्होंने एक राक्षस था जो कि बिल्कुल हाहाकार मचाया था स्वर्ग लोक में, जिसका नाम था महिषासुर, ठीक है। तो 9 दिनों तक युद्ध चला और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद में 10वें दिन उसको मार दिया, विजय प्राप्त कर ली, तो विजयदशमी हो गया। और दशहरा क्या होता है, दशहरा मतलब दशानन जो था, जिसके 10 सिर थे अर्थात रावण, उसको हर दिया मतलब मार दिया श्री राम भगवान ने। तो इसी दिन श्री राम भगवान ने रावण का वध किया था और इसी दिन माँ दुर्गा माता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए विजयदशमी को ही दशहरा कहते हैं। अब कुछ लोग तो अलग अलग बात बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे रक्षाबंधन में हमने बताया था, जो हमारा पुराना वीडियो था उसमें हमने बताया था कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, बताया था ना, और लक्ष्मी माता ने बाली को राखी बांधी थी, इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो अपना अलग अलग तरीके हैं, कोई किस तरीके से मानता है, कोई किस तरीके से मानता है, इसमें जो भी शब्द होंगे उनको हम बारी बारी से बताएंगे। पहला कह रहा है कि दशहरा जो है वो हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। दूसरा है दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। अश्विन मास क्या होता है, ये अश्विन मास चल रहा है, ठीक है ना, पितृपक्ष से लेके शरदी नवरात्रि तक ये पूरा अश्विन मास पड़ेगा। शुक्ल पक्ष क्या होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, और हर एक महीने में 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, वही शुक्ल पक्ष है। दसवीं मतलब दसवें दिन मनाया जाता है, ठीक है। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, दशहरे का उद्देश्य क्या है, तो इस दिन क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। बुराई कौन थी, रावण की, उसने क्या किया था, माता सीता का हरण कर लिया था, उनको ले गया था, ये बुराई थी। और अच्छाई क्या थी, अच्छाई की जीत हुई राम भगवान की। अगला क्या कह रहा है कि दशहरे का उद्देश्य क्या है, अब इसके 2 तरीके हैं, एक है वर्तमान में और एक है पुराने समय में और एक है वर्तमान समय में। पुराने समय में क्या है, हम कहते हैं कि भाई श्री राम भगवान ने रावण का वध कर दिया, बुराई पर अच्छाई की विजय हो गई। लेकिन आज के समय में क्या होता है, देखा होगा कि आपके गांव में यदि किसी की नौकरी लग जाए तो आदमी उसे बोलना बंद कर देता है, फलाने सिंह के लड़का लग गए, बोलते नहीं है। और नौकरी न लगे तो भी दिक्कत, कहीं जाओ उनके लड़का तो ऐसे फिरो करत है, कुछ काम करत नहीं है, ऐसे फिरो करत है। तो आजकल ये है कि अच्छा करो तो भी दिक्कत और ना करो तो भी दिक्कत। समस्या ये है, तो वही चीज है। अगला कह रहा है दशहरे का त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। अच्छा कोई कोई कहता है दुर्गा माता, कोई कोई कहता है कृतैनी माता। तो नवरात्रि जो हम लोग मनाते हैं तो पूरे माता जी के 9 रूप होते हैं, सैनपुत्री, दूसरा था ब्रह्मचारिणी, तीसरा था चंद्रघंटा, चौथा था कुष्मांडा देवी, पांचवा था स्कंद माता, छठवां था कात्यायनी माता, सातवां था कालरात्रि, सातवां कौन था कालरात्रि, और आठवां कौन था माँ गौरी, और नौवां था सिद्धदात्री। 9 रूप थे, ठीक है। तो कोई कोई कह देगा दुर्गा माता, कोई कोई कह देगा कात्यायनी माता, तो बात एक ही है भाई, श्री कृष्ण भगवान ने किसी युग में कोई जन्म लिया, श्री राम है तो श्री राम और कृष्ण एक ही सब लोग है ना, अलग अलग युग में अलग अलग जन्म लिया था। अगले कह रहे हैं दशहरे का त्योहार किस बात के प्रतीक है, तो दशहरे का जो त्योहार है वो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। अच्छा अधर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, कौन बताएगा। धर्म होता है जैसे कह दिया जाए धा धातु है संस्कृत की, धारण करने वाला। यदि आप रामायण के अनुसार जाएंगे तो राम ही धर्म है और धर्म ही राम है। राम ने अपने धर्म के लिए तो अपने घर छोड़ा था कि अपनी माँ का वचन खाली ना जाए, अपने पिता उनके पिता से दशरथ से वरदान मांगा था ना कि 14 वर्ष का वनवास, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास किया था।
है ना। और गीता में लिखा है कि जो चीज आपको लगे कि हम वो चीज प्राप्त कर सकते हैं तो उसका तन मन धन से लग जाओ उसको प्राप्त करने में, वही आपका धर्म है, ठीक है ना। तो गीता में रामायण में अलग अलग चीज लिखी है, ये धर्म है आपका। दशहरा से हम क्या सीखते हैं, तो दशहरे से हम सीखते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, रावण बहुत बुद्धिमान था। सब लोग कहते हैं कि रावण के जैसा कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन उसने नीचता दिखा दी, सीता माँ को हरण कर लिया, तो उसकी बुराई नष्ट करनी पड़ी राम जी को, है ना। तो बुराई कितनी भी बड़ी हो उसको हारना ही पड़ेगा, और जीत हमेशा अच्छाई की होती है, ठीक है। अगला कह रहा है, इस दिन रावण कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के, देखा होगा जब दशहरा मनाया जाता है तो शाम को पुतले फूंके जाते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। और रावण के साथ कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ को क्यों लेते हैं, रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण जो सोता रहता था, 6 महीने में एक बार उड़ता था और खाना वाना खा के फिर सो जाता था, और कहते थे 600 जाने कितने इंद्रधनुषों के बराबर उसका काफी विशाल काय था। देखा होगा रामायण में जब देखते होगे तो वो क्या बोलते हैं, रावण अपने महल में खड़ा हो जाता था दूसरे तीसरे खंड में, अब वो इतना बड़ा होता था ऐसे बात किया करता था, अब वो दूसरे खंड में खड़े होकर बात करते थे, देखा होगा, है ना। और मेघनाथ कौन था, मेघनाथ रावण का छोटा पुत्र था जिसका नाम था इंद्रपति, उसने इंद्र को जीत लिया था, तो ब्रह्मा जी ने उनको बता दिया था इंद्रजीत नाम दे दिया था, है ना। तो रावण का वध किया था श्री राम ने, कुंभकर्ण का भी वध किया था श्री राम ने, क्यों, क्योंकि जब महायुद्ध चल रहा था तो रावण की तरफ से लड़ने के लिए कौन आ गया था, कुंभकर्ण, तो उसको भी राम भगवान ने मार दिया था कि तुम क्यों आ गए। और मेघनाथ को मारा था लक्ष्मण ने अपने बाण से, सिर कट के गिर गया था, है ना। तब ये सब एक ही प्रकार के प्रकृति के लोग थे, तो सभी को पुतले के रूप में जलाया जाता है। दशहरे का त्यौहार हमें अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, मोह और हिंसा जैसी बुरी आदतों से रहने की प्रेरणा देता है। दशहरे में क्या होता है, एक दूसरे के घर जाते हैं, सौंफ खिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, कोई कोई पान भी खिला देता है, तो अपना ये होता है एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं और आपस में प्रेम पूर्वक रहने की इच्छा करते हैं कि हाँ भाई बात से लड़ेंगे नहीं अच्छे से रहेंगे, बस यही मेल जोल कर रहता है। अगला, नवरात्र पर पूरे भारतवर्ष में जगह जगह देखा होगा इसमें रामलीला का आयोजन चल रहा है ना, रामलीला चलती रहती, देखा होगा आपने रामलीला। दुनिया का सबसे बड़ा दशहरे में जो होता है वो कर्नाटक के मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में मनाया जाता है त्यौहार, 400-600 वर्षों से पुराना एक त्यौहार है कर्नाटक के मैसूर में, वहां दशहरा बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, है ना। अगला कहते हैं, दशहरा मनाए जाने के कारण, जैसे हमने बताया था रक्षाबंधन मनाए जाने के कारण, ऐसे ही दशहरा मनाए जाने के कारण क्या है। पहले लिखा है कि असुर महिषासुर का वध कर दिया था दुर्गा माता ने, सर। कोई कहता है कि भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था, कोई कहता है इस दिन देवी सती अग्नि में समा गई थी। देवी सती कौन थी, दक्ष की पुत्री थी, एक दक्ष थे उनकी कई पुत्रियां थी, गुणवान थी, लेकिन उनको लगता था कि हमारी कोई भी पुत्री गुणवान नहीं है, तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में एक भगवती आद्या नाम की देवी उत्पन्न हुई, उन्होंने कहा क्यों पूजा कर रहे हो, क्यों यज्ञ कर रहे हो, तो बोले कि मेरी जितनी भी बेटियां हैं मुझे कोई गुणवान नजर नहीं आती है, तो उनके यज्ञ से और उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, तो बोली कि आप ऐसा करो, भगवती आद्या बोली कि मैं आपके घर में सती नाम से जन्म लूंगी। फिर कुछ दिन बाद सती नाम से जन्म लिया, और सती जो थी वो दक्ष की सबसे गुणवान पुत्री थी। फिर हुआ क्या कि जो सती थी वो शिव जी की पत्नी थी, पार्वती तो बाद में आई, पहले शिव जी की पत्नी कौन थी, सती। तो सती शिव जी के साथ में कैलाश पर्वत में रहने लगी। फिर एक दिन हुआ क्या कि ऐसे ही घटना है कि एक दिन क्या हुआ कि बढ़िया वो चल रहा था, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही थी, तो ये दक्ष आए तो सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हुए, शंकर जी खड़े नहीं हुए, तो उनको बहुत बुरा लगा कि देखो रंगबाजी कर रहे हैं, भाई उनके दामाद थे, वैसे तो पद में ससुर थे वो, तो ससुर के आने पे खड़े नहीं हुए, तो बोले मैं इनसे बदला लूंगा, मेरा इन्होंने अपमान किया। वो हमेशा सोचते थे कि हम शंकर जी से बदला लेंगे, और जो सती थी वो शंकर जी की पत्नी थी। फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने महायज्ञ करवाया, तो सती और शंकर जी कैलाश पर्वत में बैठे थे, ऊपर से देखा कि पहले विमान होते थे, विमान जैसे पुष्पक विमान था, देवी देवता सब जाया करते थे, तो शंकर जी और सती जी बैठी थी, तो बोले ये उनसे पूछा शंकर जी से
कि ये विमान किसके जा रहे हैं, तो शंकर जी ने कहा कि आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। तो सती ने कहा कि आपको बुलाए नहीं, तो बोले नहीं वो मुझसे बहुत जलते हैं वो मुझे नहीं बुलाएंगे। तो सती कहने लगी कि मेरी बहनें भी वहाँ जा रही होंगी, मैं वहाँ जाऊँ, मैं भी हिस्सा लूँगी। तो शंकर जी ने एक बात कही कि शादी के बाद में लड़की का जो मायका होता है उसमें कोई उसका अधिकार नहीं होता, जब पिता बुलाए तभी जाना चाहिए बेटी को अपने मायके, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। शादी के बाद में पूरा अधिकार पति का होता है। शंकर जी मना किया लेकिन सती मानी नहीं और चली गई। उसके बाद में शंकर जी ने भेज दिया कि भाई चली जाओ, एक उनके साथ में सेना का सेने की मतलब टुकड़ी भेज दिया। अब उसके बाद जब वहाँ चली गई तो वहाँ उनसे कोई बोला नहीं, अपने मायके जब गई दक्ष उनके पिता थे वो भी नहीं बोले, उनको बहुत बुरा लगा। और जब देखा होगा जब यज्ञ होता है तो कहते हैं स्वाहा स्वाहा, तो सभी भगवानों के नाम लिए जा रहे थे, शंकर भगवान का कोई अंश नहीं था, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोले कि वो शंकर जी को बोले वो पाखंडी है, वो तो हड्डियाँ पहनता है, वो कोई भगवान है क्या? उनको बड़ा खराब लगा कि मेरे पिताजी मेरे पति की बेइज्जती कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो उनको बहुत बुरा लगा, तो वहीं उन्होंने कुंड में जाके आग लगा दी, मतलब कुंड में कूद गई, उसी यहाँ यज्ञ कुंड था। जब कूद गई भाई, क्योंकि उनकी पति की बुराई हो गई, शादी के बाद में कोई किसी पति बुराई कर दे किसी लड़की के तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने बोला कि पहली बात तो शिव जी मना कर रहे थे ना जाओ, उनके आदेश के विपरीत यहाँ आए और यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा, ऊपर से बुराई कर रहे हैं। तो सती का मतलब होता है कि पति के लिए, पति को बुरा भला कहने के लिए वहाँ वो कूद गए। और उसके बाद में जब ये बात शंकर जी को पता चली कि मेरी पत्नी ने मतलब कुंड में जाके मतलब उन्होंने वो जल गई है, एकदम से वो भगे भगे आए और उसके बाद में उनकी लाश को कंधों में रख के टहलते रहे। फिर श्री कृष्ण भगवान को पता चला, श्री कृष्ण भगवान ने अपने चक्र से उनके मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो तुमने देखा होगा सब जगह शक्ति पीठ होता है, तो इनकी 51 सती के 51 टुकड़े हुए थे जगह जगह पर, उसको कहते हैं शक्ति पीठ, वहाँ भी सती उपासना की जाती है, देखा होगा आपने। तो ये सब पूरी कहानी थी। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस दिन सती अग्नि में समा गई थी, है ना, क्योंकि शिव जी की बुराई कर दी गई थी, अब वो अपने पति की बुराई सुन नहीं सकी, तो ये भी कारण था कि इसलिए दशहरा मनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन पांडवों को वनवास हुआ था, कुछ लोग कहते हैं वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। कभी कभी देखा होगा आपने कि दसवीं नवमी एक ही दिन पड़ जाती है, दसवीं नवमी एक ही दिन पड़ जाती है, दो दिन अपराजिता देवी की पूजा की जाती है दोपहर में उत्तर पूर्व दिशा में। तो कई सारे कारण हैं। तो ये पूरा दशहरे का सिस्टम है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है ना, ये पूरा हमने आपको समझा दिया। समझ में आ गया?